नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। सोनभद्र पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। खाताधारकों से लूटे गए लुटेरों द्वारा 1,08,022 रुपये वापस करवाए गए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने सोनभद्र ने कहा है कि सरकारी सेवा का लाभ देने के नाम पर या किसी और प्रकार का लाभ देने जो ठगी के शिकार हुए थे देने के नाम पर कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको फोन करके बैंक डिटेल्स मांगता है तो उसे अपना ओटीपी या पर्सनल डिटेल ना दें, अन्यथा आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। और ये सब इसलिए संभव हुआ है कि सोनभद्र साइबर सेल के द्वारा 3 ग्राहकों के खाते से धोखाधड़ी के माध्यम से ठगी किए गए रुपये वापस दिलवाया है। गाजीपुर पुलिस ने क्या कुछ कहा साइबर ठगी के मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने सुनाते हैं। कार्रवाई की जाए तो साइबर सेल जनपद सोनभद्र के प्रयास के कारण 3 ग्राहकों के जो ठगी के शिकार हुए थे उनसे उनके ठगी के 1,08,422 रुपये उनके खाते में वापस कराया गया है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि शिकायतकर्ता ने सही समय पर साइबर सेल को जानकारी दी। कई प्रकरण साइबर ठगी के ऐसे आते हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई की जाए तो जो पाइपलाइन में चीज़ें होती हैं या जो किसी मर्केंडाइज के माध्यम से कोई सामग्री की आपूर्ति के लिए ठगी की गई हो और ठगी करने के बाद इस तरह के ऑर्डर दिए गए हों तो इसको बीच में इंटरवेंशन करके रुकवाने की व्यवस्था है और समय से सूचना देने पर ये काम हो जाता है। इस जनपद में शिकायतकर्ता अजीत यादव निवासी रॉबर्ट्सगंज, इनके खाते में 64,181 रुपये वापस कराए गए हैं। अवध बिहारी निवासी कोंगा भवनी सोनभद्र के खाते से 13,000 रुपये चले गए थे, उसको वापस कराया गया है। और रिंकू निवासी रॉबर्ट्सगंज, इनके 31,241 रुपये वापस कराए गए हैं। यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है इसमें लालच में पढ़ के हम इसके शिकार होते हैं, तो इसमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी मदद अकारण नहीं करेगा और इस तरह का कॉल आता है तो चाहिए कि कोई OTP, कोई अपना पर्सनल डिटेल, बैंक खाता वगैरह कुछ भी हम शेयर न करें। कई बार सरकारी सेवा का लाभ देने के नाम पर, कई बार फ्रेंचाइजी के या एजेंसी या ग्राहक सेवा केंद्र शुरू करने के नाम पे, कई बार टावर लगाने के नाम पे ठगी के शिकार हो जाते हैं लोग और लालच में फंस जाते हैं। कई बार जो है ये ऑनलाइन गाड़ी खरीदने या ऑनलाइन कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के चक्कर में भी ठगी के शिकार होते हैं। तो इस तरह के जो फेसबुक वगैरह से जो प्रचार देख करके हम लोग संपर्क करते हैं उसमें ज़्यादा सतर्क होने की रहने की आवश्यकता है। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जब शिकायत आती हो तो उस पर उनको पहल लेनी चाहिए और तुरंत साइबर सेल को इसकी जानकारी दें, उसका एप्लीकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से प्रेषित करें और साथ में जो भुक्तभोगी है उसके बैंक खाते का डिटेल्स भी प्रेषित करें, तो इससे साइबर सेल को आसानी होगी।